Goodness. Moment of the truth. Trade and finance. देखते हैं ये लोग कितना काटते हैं. भाई साहब, मैं अपना ATM पहली बार आउट ऑफ इंडिया. ये वीज़ा ही का है, कॉन्टैक्टलेस कार्ड. मैंने वैसे तो कॉल करके वेरीफाई कर लिया कि ये बाहर चलेगा, और मैंने खोल भी लिया इसका बाहर वाला ऑप्शन. तो भाई आज ये पहली बार टेस्ट होने जा रहा है कि वेदर ये एक्चुअली में काम करेगा अभी या नहीं. तो भाई ये कौन सी बैंक है? फ्रीडम फाइनेंस. वैसे किसी ने रिकमेंड नहीं किया कि गो विद इंग्लिश. ओके, मैं नहीं दिखाऊंगा कोड. ये मुझे मैं 5,000 निकाल रहा हूँ. तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि ये फॉर डिस्पेंस 5,000, कमीशन इज 0.0 रूबल्स, टोटल 5,000 रूबल्स, यू बैंक कैन टेक एडिशनल कमीशन. ओके, मैं देखता हूँ करके. तो ये भाई हो रहा है. फैंटास्टिक फैंटास्टिक माय फ्रेंड. ओह, मेरा कार्ड काम किया और मुझे रशियन रूबल आए. अबे 5,000 का एक मिल गया मुझे. ये तो भाई दिक्कत हो गई. ये 5,000 का क्यों मिल गया मुझे? ओके, ये 5,000 का मुझे क्यों निकल आया? चलो देखते हैं ना, 5,000 का निकल ज़रूर आया. लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़े से मैं और निकाल लूँ, कि मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं पहले देख लूँ कि एक्चुअली मेरे बैंक में कटे कितने हैं. तो भाई फाइनली मेरा ये कार्ड जो है वो काम किया है. तो भाई साहब, मैं भाई रेकमेंड करता हूँ फ्रीडम फाइनेंस से. जब भी आओ तो फ्रीडम फाइनेंस से ही मतलब कराना. फ्रीडम फाइनेंस से इनका भाई कमीशन कोई नहीं है. और मैंने 5,000 रूबल्स निकाले हैं, एक्चुअली मेरे इंडिया के खाते से कटे हैं 4,952, मतलब 5,000 से भी कम. तो समझ जाओ कि ये जो है फ्रीडम फाइनेंस यहाँ से निकाल रहा है. मैं थोड़े से और निकालूंगा क्योंकि मुझे 5,000 रशियन रूबल का नोट दे दिया इन्होंने पहले. मैं लेकिन अपनी बैंक की एक्चुअल एप्लीकेशन को देख लूँ, उसके बाद ही करेंगे. भाई 5,000 की भी नोट होती है हमारे देश में, तो मतलब 2,000 की मतलब सबसे बड़ी नोट है. ओके, तो चलो बाद ही में देख लेंगे. अभी कुछ नेट नहीं चल रहा है, नेट आ नहीं रहा है बढ़िया. तो एक बार और डालेंगे. तो ये चला गया है. तो अब इंग्लिश चुन लेंगे फ्रीडम फाइनेंस में. हाँ चलो, मैं अपना पिन डाल दूँ. पिन मैंने डाल दिया. कैश विड्रॉल, ये अपना कुछ बता रहा मैक्सिमम लिमिट, उसके ऊपर जाएंगे. गेट कैश इन रूबल्स, अनदर अमाउंट को चुनेंगे क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट की अमाउंट्स हैं. और मैं अनदर अमाउंट को चुनूंगा और मैं डालूंगा भाई 1500. ओके, 1500 डालूं या और भी करेक्शन करना है? पच्चीस सौ डाल रहा हूँ, देखते हैं. नहीं, 2500 नहीं भाई, भाई साहब 1500 ही डालेंगे. 1500 डालें,
इट मीन द नोट्स डिनोमिनेशन ऑफ 5000 सेलेक्ट अमाउंट 2000, तो भाई 1000 नहीं 2000 से सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल बैंक कमीशन गेट कैश 2000 ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी खर्चे भी होंगे, होते हैं उसमें भी देना है, मुझे कैश ही पेमेंट करना होगा। प्रिंस रिसिप्ट ही पूछ रहा है और हमेशा इसको नो करेंगे। कार्ड आ गया, कार्ड पहले आता है। इसने 1000 के दो दे दिए, चलो ठीक है मैं कैंसिल कर दूँ। बहुत सही भाई है, तो हमेशा जो है वो मतलब मुझे पता था कि ये 5000 रूबल्स का निकाल देगा, लेकिन एक्चुअली मैं भूल गया था कि 5000 रूबल्स नहीं निकालने हैं, अदरवाइज वो पूरा निकाल देगा। सक्षम क्या हाल? बढ़िया है भाई, मेरा अलग से इंटरव्यू लिया उसने, अलग से भाई, जो भाई बताया था हमने क्या गुस्से में लेता है वो वाला, क्यों अलग से? अरे भाई मैं पहली बार आ रहा हूँ, फ्रेश पासपोर्ट, तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं टूरिस्ट हूँ। उनको पकड़ते हैं फर्स्ट टाइम आते ना भाई। अरे नहीं, वो इम्प्रेस, अच्छा वो मुझसे जबरदस्त इम्प्रेस, वो ऑफिसर कैसे हुआ? तुम ले लो, ले लो भाई, सुन तो लो। हाँ। क्या हुआ कि तो मतलब उसमें बातचीत होने लगी कि भाई क्या क्यों आए हो, पूरा लाइन से गैस, चल भाई तुम निकाल ही लो, इसमें तो कार्ड भी लगता है ना, ये ले गैस, ये वाला ले, ऊपर वाला गैस, पेप्सी निकाल, पेप्सी निकाल लो, इसको कैसे होगा? अरे भाई इसमें कोड दिया हुआ है, तुम कोई भी निकाल सकते हो, कोड दिया हुआ है। 200 के ऊपर नहीं जाएगा, 100 रुपए क्या? नहीं, चेंज नहीं किया।